हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार। आज मैं आपसे दो टिप शेयर करने वाला हूं जिसको आप उस दिन अप्लाई कर सकते हैं जिस दिन आप अपना पीआर अटेम्प्ट करने वाले होंगे। तो पीआर अटेम्प्ट आप डेडलिफ्ट में कर सकते हो, स्क्वाट में कर सकते हो, बेंच प्रेस में कर सकते हो, शोल्डर ओवरहेड प्रेस में कर सकते हो आप अपना पीआर अटेम्प्ट। पीआर मतलब होता है अपना पर्सनल रिकॉर्ड, मतलब आप कितना ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं एक रेप के लिए। ठीक है, तो ये दो टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो टिप मैंने खुद अप्लाई किया है, मैंने अपने क्लाइंट्स पे भी ट्राई किया है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में मैं आपको बताऊंगा आपको हर सेट में कितना रिपीटेशन लेना है, कितना वेट लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप एंड तक जरूर देखना, मिस बिल्कुल मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज मिस मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा। आपने बहुत बार देखा होगा यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जो भी लोग अपना पीआर अटेम्प्ट करते हैं वो उस दिन डिजीनेस की वजह से गिर जाते हैं। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है, इस वजह से वो गिरते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सोडियम और पोटेशियम लेवल को बैलेंस करके रखिए उस दिन के लिए जिस दिन आप पीआर अटेम्प्ट करेंगे। और ये बैलेंस करने में मैं ये फास्ट एंड अप का रीलोड टैबलेट लेता हूँ। ये मेरे सोडियम और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करता है, ये आपके सोडियम और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करेगा। इसको लेने का सिंपल तरीका है कि आप 200 से 300 ml वाटर में आप सिर्फ इसका एक टैबलेट आप उसमें डाल दीजिए, वो खुद ब खुद घुल जाएगा और आपको उसको पी लेना है। आप इसको प्री वर्कआउट ले सकते हो, आप इसको इंट्रा वर्कआउट ले सकते हो जिस दिन आप अपना पीआर अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि सोडियम पोटेशियम लेवल उस टाइम ही थोड़ा डाउन एंड अप जाता है। तो आप इसको इंट्रा वर्कआउट ले सकते हो, आप इसको प्री वर्कआउट ले सकते हो। आपको लगता है कि प्री वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट में इसकी ज़रूरत नहीं है और आप इजीली अचीव कर लोगे, तो आप इसको पोस्ट वर्कआउट ज़रूर लेना ही लेना। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने में मदद, क्योंकि वर्कआउट में बहुत ज़्यादा आप स्वेट करेंगे पीआर अटेम्प्ट के दिन या फिर किसी भी दिन, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा आप हर दिन भी ले सकते हैं। सबसे पहला टिप ये होगा कि आप जिस दिन अपना पीआर अटेम्प्ट करने वाले होंगे तो आपको उस दिन ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको अपने हर सेट में मैक्सिमम रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप नॉर्मल डेज में हर सेट में मैक्सिमम रिपीटेशन लगा रहे होंगे तो डैट इज़ फाइन, लेकिन आपको अपने पीआर अटेम्प्ट के दिन पे हर सेट में मैक्सिमम अटेम्प्ट मैक्सिमम रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये आपको मदद करेगा एनर्जी सेव करने में, एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होने देगा, एनर्जी सेव करने में आपको मदद करेगा उस वन रेप के लिए जो आपने अपने दिमाग में सेट करके रखा है उसको अचीव करने के लिए। तो जो दूसरा टिप है मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि आपको हर सेट में कितना रिपीटेशन लेना है, कितना वेट लेना है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं डेडलिफ्ट को कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोज आप अपना डेडलिफ्ट में पीआर अटेम्प्ट चेक करने वाले होंगे, तो यहाँ पे मैं आपका पीआर अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अपना पीआर 100 केजी लेने वाले होंगे। 100 केजी मैंने इसलिए अज्यूम किया ताकि मैं आपको सिंपल समझा सकूँ और आपको भी समझ में आए जो मैं समझाना आपको चाहता हूँ। नंबर्स से मैं अभी खेलने वाला हूँ तो आपको वो समझ में आए, इसलिए मैंने 100 केजी राउंड फिगर के लिए मैंने 100 केजी लिया है डेडलिफ्ट में। सपोज एग्जांपल के तौर पे कि आप डेडलिफ्ट में 100 केजी आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है, 100 केजी आपका लास्ट सेट होगा, यानी कि आखिरी सेट, उसमें आपको एक रिपीटेशन लगाना है। तो आपको क्या करना है, 100 केजी से जो पहले वाला सेट होगा उस पे भी आपको सिर्फ एक रिपीटेशन ही लगाना है, सिर्फ एक रिपीटेशन। याद रखिए 100 केजी आपका मैक्सिमम रिपीटेशन होगा, 1 रेप मैक्स के लिए आप अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले वाला जो सेट आप लेंगे उसमें भी आपको सिर्फ एक रेप लगाना है। और जो आप उससे पहले वाला सेट लेंगे वो होगा आपका 80% ऑफ 1 रेप मैक्स, मतलब कि यहाँ पे इस केस में 100 केजी आपका 1 रेप मैक्स होने वाला है, तो उससे पहले वाला सेट आपका होगा 80% ऑफ 1 रेप मैक्स, यानी कि 80 केजी। 80 केजी से भी आप सिर्फ एक रिपीटेशन लेंगे। ये इसीलिए करना है ताकि आप अपने एनर्जी को बचा कर रखें, एग्जॉस्ट नहीं करें, एग्जॉस्ट नहीं करना है एनर्जी। एनर्जी बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है जिस दिन आप अपना पीआर अटेम्प्ट करने वाले हो। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगा तो आप पीआर अटेम्प्ट करोगे और वो फेल अटेम्प्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप फेल अटेम्प्ट करें, मैं चाहता हूं कि आप एक बार में क्लियर करें, लेकिन फोकस रखें उस अटेम्प्ट पे, फोकस रखें कि आप उस वेट को लिफ्ट कर लेंगे। अब आपको 80 केजी से पहले वाले 80 केजी से जस्ट पहले वाले सेट में क्या करना है, आपको 70% ऑफ 1 रेप मैक्स लेना है। उसमें आपको 70 केजी, यहाँ पे इस एग्जांपल में 70 केजी का आपको 3 रेपिटेशन लेना है। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ वो आप अपने पीआर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 70% ऑफ 1 रेप मैक्स में आपको अपना 3 रेपिटेशन लेना है। इस केस में 70 केजी से 3 रेपिटेशन आपको लेना है। अब 70% वाले 70 केजी से पहले वाले रेप में, मतलब कि 60% ऑफ 1 रेप मैक्स, यहाँ पे इस केस में 60 केजी से आपको 6 रिपीटेशन लेना है। ठीक है, 60% ऑफ 1 रेप मैक्स 60 केजी से आपको 6 रिपीटेशन लेना है। आप कैलकुलेट करते जाइएगा अपने हिसाब से, आपका जो पीआर आपने सेट किया अपने दिमाग में आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एंड में इसको सिंप्लीफाई भी कर दूंगा ताकि आप इजिली समझ सकें। तो ये हो गया आपका आखिर का 4 सेट। ठीक है,
आपको जो वार्म अप सेट लेना है वो लेना है आपको 30-40% ऑफ 100 पैक्स, और इस केस में 30 kg से 40 kg का 100 पैक्स का आपको वार्म अप लेना है, ठीक है। बारबल से आप वार्म अप करते वो मैं साइड रख रहा हूँ, बारबल से आप जो सिर्फ बारबल से वार्म अप करते वो अलग है। इसमें वेट के साथ जो वार्म अप सेट आपका सबसे पहला सेट होगा वार्म अप सेट, वो 30% से 40% ऑफ 100 पैक्स, और इस केस में 30 kg से 40 kg में आपको 8 से 10 रेपिटेशन निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, ठीक है, नीचे से ऊपर कि आपका पहला सेट कितना होगा, दूसरा सेट कितना होगा, तीसरा सेट, वैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपका जो पहला सेट होगा बारबल, सिर्फ बारबल से आपने जो वार्म किया वो मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका सबसे पहला सेट होगा वो होगा 30-40% ऑफ 100 मैक्स, उस पर आपको 8 से 10 रेपिटेशन निकालना है। जो आपका दूसरा सेट होगा वो होगा आपका 60% ऑफ 100 मैक्स, इस केस में 60 kg, उससे आपको 6 रेपिटेशन निकालना है। तीसरा सेट होगा आपका 70% ऑफ 100 मैक्स, इस केस में, इस एग्जांपल में जो मैंने दिया है उसमें होगा 70 kg, 70% ऑफ 100 मैक्स 70 kg से आपको 3 रेपिटेशन निकालना है, 70% ऑफ 100 मैक्स 70 kg से आपको 3 रेपिटेशन निकालना है। अब हम आ गए हैं आखिर के दो सेट, आपका जो चौथा सेट होगा, चौथा सेट आपका होगा 80% ऑफ 100 मैक्स, इस एग्जांपल में 80 kg का आपको सिर्फ 1 रेपिटेशन निकालना है। और जो हमारा आखिर का सेट होगा, जो आपका फाइनल सेट होने वाला है, जिसमें आप सिर्फ एक रेप परफॉर्म करेंगे, जिसको आपने चुना है, जिसको आपने माइंड में मेकअप करके रखा है कि मुझे 1 रेपिटेशन इस वेट से लिफ्ट करना ही है, उस रेपिटेशन में आपको 1 रेप ही परफॉर्म करना है। अब मैंने ये क्यों डिज़ाइन किया, क्यों मैंने रेपिटेशन कम कर दिया है हर सेट में, ये इसीलिए ताकि आप अपने एनर्जी को बचा कर रखें, एनर्जी ड्रेन आउट नहीं करें, इस वजह से मैंने थोड़ा रिपीटेशन कम कर दी। ये मेरा पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये मैंने अपने क्लाइंट्स पे ट्राई किया है, ये मैंने खुद पे ट्राई किया है, ठीक है। और मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम पे, उस दिन मैं 190 kg का अटेम्प्ट कर रहा था PR, और वो मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट था, मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैंने कभी 190 kg अटेम्प्ट नहीं किया है, 180 kg मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया है, और तीसरे बार में जाकर क्लियर हुआ, और तीसरे बार में भी वो इसीलिए क्लियर हुआ क्योंकि मैंने ये टेक्निक अपनाया था, और 190 kg में पहली बार में क्लियर हुआ क्योंकि मैंने ये टेक्निक अपनाया था। तो आप ये टेक्निक अपनाओ और आप अपना PR इजिली क्लियर कर लोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो अपना PR अटेम्प्ट करने वाले हैं, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले आप इसको ट्राई जरूर करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ट्राई जरूर करना, इस वीडियो को सेव कर लो और ट्राई जरूर करना गाइस। तो हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ, कुछ नए टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।